दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और हमारे सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम्स। इस समय हम मौजूद है MHB कॉलोनी गेट नंबर 7। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, जो पूर्व नगर सेवक यहाँ के हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया, जो सड़कों को लेकर, लाइट को लेकर और जो गटर का काम हुआ, जो संडास का है काम, उसको लेकर बात करते हैं। आपका नाम बताइए और आप मकबूल शेख जी क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो नगर सेवक आए हैं सलमा जी डबल से जीत कर, तो इस राउंड में इन्होंने यहाँ काफ़ी मेहनत की है, जिसमें लाइट, रोड, संडास, पानी का सहायता की है। अच्छा, ट्रैफिक को लेके क्या कहेंगे? जो पार्किंग है उसके वजह से, जो अभी 8 नंबर में जो बुर्ज खलीफा कहा जाता है, वो लाइटिंग तो बहुत अच्छा था, सुशोभीकरण अच्छा लग रहा था, जो पूर्व नगर सेवक ने लगाया था वो तो वो अच्छा था, जबकि वो उसके हटाने से कोई दिक्कत नहीं थी। ट्रैफिक जो होती है वो पार्किंग से होती है, तो क्या कहेंगे? वो पार्किंग से जो होती है, जो डिपो के सामने सब लोगों ने अपना अपना गार्डन रोड पे बनाया, और जो होटल की पूरी पार्किंग से आने जाने ट्रैफिक पब्लिक को तकलीफ होती है, क्या तो ये चीज़ को से कोई तकलीफ थी? लाइट से कोई तकलीफ नहीं थी, आने जाने इमरजेंसी पेशेंटों को आने जाने को तकलीफ होती है, गलियों में भी होती है और रोड पे भी होती है। आपकी क्या, आप लोगों की मांग है कि वो फुटपाथ क्लियर होना चाहिए चलने तो के लिए, और वहाँ पे जो पार्किंग होती है डबल ट्रिपल हटना चाहिए। तो ये जो पार्किंग के बारे में, जो कहीं पानी पूरी वाला नड़ गया है, कहीं केले वाला नड़ गया है, कहीं वो फूल के गार्डन रखे हैं, कहीं रोड पे सीढ़ी ले लिए हैं, तो डिपो के सामने एकदम फ्रेश होना चाहिए। डिपो के सामने सबसे बुरा गान उधर ही डिपो पे है, उसका ध्यान दो आप। बहुत बहुत तो ये पार्किंग आपकी क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि चचा ने बताया कि यहाँ के पूर्व नगर सेवक के बारे में बताया, जो यहाँ का जो काम हुआ है रोड का, लाइट का, गटर का, संडास का, वो सब बताया, और पार्किंग को लेकर बहुत ही अच्छी बात कही कि जो मालवनी गेट नंबर 8 में जो ज़्यादा जाम होता है वो पार्किंग को लेकर होता है। फुटपाथ जो है पूरा मालवनी क्षेत्र का कब्जा किया हुआ है, फुटपाथ पर सब कुछ ना कुछ सब लोगों ने घेर लिया है, और उसके सामने डबल ट्रिपल पार्किंग होती है, जब तक वो पार्किंग नहीं हटेगी। जबकि आप देख सकते हैं BMC की कुछ कार्रवाई हो रही थी, 5 नंबर से 7 नंबर तक का तोड़म ताड़ी हो रही थी, लेकिन वो क्या टेम्प्ररी थी, क्या वो एक कुछ समय के लिए थी, लेकिन वो फिर बन गया है। कहीं ना कहीं लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ट्रैफिक को लेकर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ट्रैफिक का मालवनी क्षेत्र में। चचा, दर्शकों, हमारा चैनल खबर फेस टू फेस और काशिफ टाइम्स, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपको मालवनी क्षेत्र के लोकल की खबर, हर जगह जगह की आपको खबर, इस पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकल न्यूज़ आपको दे सकें। मैं निशान आदमी, खबर फेस टू फेस, मुंबई। दर्शकों, हमारे साथ पूर्व नगर सेवक सलमा अलमिलकर के हस्बैंड सलीम अलमिलकर है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सलीम भाई, 7 नंबर में हॉस्पिटल बन रहा है, आपको पता ही है मालवनी क्षेत्र एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ पर सरकारी अस्पताल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल भरे हुए हैं, बहुत से पेशेंट आप देखेंगे लाइन लगा के खड़े हैं, तो ये सरकारी हॉस्पिटल कब तक बनेगा, इसके बारे में दर्शन। हेलो, ये जो सरकारी हॉस्पिटल हमारा केम सेंटर जो ब्रांच है, ये हॉस्पिटल में भी OPD रखा है, और उसके बाद जो गरीब जो हमारा जो इलाका है, जैसे कि स्लम बोले तो जैसे कि धाराई सब में बड़ा गिना जाता है मुंबई में, लेकिन उससे बड़ा शमसराव जो मैं अंबुजावाड़ी, मालोनी 7 नंबर, MHB कॉलोनी, जुलेसवाड़ी, राथोड़ी, सब में बड़ा एरिया हमारा है, उसके हिसाब से जो हॉस्पिटल का काम चल रहा है वो शायद मैं दिवाली के पहले ओपनिंग हो जाएगा, कौन सा कैंप सेंटर वाला। और दूसरा हमने एक हॉस्पिटल लिया है, ये दिवाली में ओपनिंग हो जाएगा, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो हमने एक और एक आपला दवाखाना जो CM साहब ने स्कीम निकाले हमारे, तो वो दवाखाना हम सोच रहे हैं कि यहाँ मालूनी में आ जाए। एक गुजराती स्कूल थी हमारे यहाँ बहुत पुरानी, 60 साल पहले, आपने सुना होगा, तो अभी हमने तोड़ा है उसको, और उसको तोड़ के उसमें आपला दवाखाना हमने शुरू करना है। दोनों साइड में हम ब्यूटिफिकेशन करेंगे, बीच में हॉस्पिटल बनाएंगे, उसमें हम वो जो गरीब लोग जाते हैं 50 रुपये 100 रुपये जो दे के दवा लेते हैं, वो दवाखाना हम फ्री करेंगे, लोगों को एक फ़ायदा होगा,
ये कब तक खुलेगा? ये बहुत एक ये साल में अगर फंड अगर अवेलेबल रहेगा तो इंशाल्लाह ये साल में ही पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सलीम भाई ने बताया कि जो कैम हॉस्पिटल है वो दिवाली तक बन जाएगा जो 7 नंबर पे, और अपना दवाखाना वो भी उनकी कोशिश है कि जो सीएम साहब ने कहा है उसकी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द वो भी बनेगा ताकि लोगों को राहत मिले। काशिफ दीदी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम, हमारे सहयोगी चैनल हैं खबर फेस टू फेस। इस वक्त हम मौजूद हैं 7 नंबर पर और यहाँ पर धमाधार काम चल रहा है सलीम भाई की तरफ से। सलीम भाई ने वार्ड 48 में काफ़ी कार्य किए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। इस वक्त जिस तरीके से काम चालू है, क्या किस किस जगह पर काम चालू है बताइए थोड़ा। सारे जगह पर काम चालू है, और जो रोड जो सीमेंट रोड नहीं बना था मालूनी के अंदर, मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ थी, और इस बार हमने असलम भाई के नेतृत्व में इतना जोरदार काम किया हाउसिंग बोर्ड में कि पानी से लेके पानी की पूरा नेटवर्क हमने चेंज किया है। लाइटें तुम्हारी दिखती होगी शायद, आप कैमरा अगर घुमाएंगे तो लाइट भी दिखाई देगी। ये स्ट्रेट पोर्ट लाइट भी 60 साल के बाद लगे हैं, ये गवाह हमारे रहवासी हैं। और इसी तरह ये जो रोड पर हम खड़े हैं ये भी RCC बना हुआ है, ये भी बन के तीन साल हो गए। तो इसी तरह हमने हर जगह काम किया है, और ब्यूटिफिकेशन का भी काम किया है, जिस तरह के हॉस्पिटल के सामने स्टेचू वगैरह लगाया ताकि एरिया हमारा खूबसूरत दिखे, उसके सामने सेल्फी पॉइंट बनाया 7 नंबर के कोने में। इसी तरह हमने जाकिर हुसैन चौक भी बनाया 8 नंबर के ऊपर। हर जगह हमने ऐसे काम किए हैं कि लोगों को एक हमारे जो मेहमान हो या किसी के मेहमान घर आए तो ऐसा लगे कि भाई खूबसूरत है, हमारा एरिया अच्छा है, आने वाले लोग हमारे जो आने वाले जो मेहमान हैं वो तारीफ करें। और उसी तरह मैं समझता हूँ कि और हमने कुछ ऐसे बड़े काम लिए, जैसे कि हमने 4-6 जो है बस स्टॉप लिए, ग्रीन बस स्टॉप जिसमें LED है, वो LED बस स्टॉप बोल के नए निकले, जैसे कि सिंगापुर वगैरह में रहते हैं। और ऐसे ही हमारे 4 एक पानी के पिया हुए जिसमें सेंसर लगा हुआ है, स्टेचू के अंदर हाथ डालेंगे पानी पीने का है इस तरीके से। और दूसरा एक हमने वो भी काम लिया है कि 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक जो रोड डिवाइडर के ऊपर ब्यूटिफिकेशन करेंगे, जैसे कि फूल वगैरह लगा के लाइट जो है हमारी साइड में एक्सटेंड पोल लाइट वो बीच में आ जाएगी ताकि हमारे जो दिखने में डिजाइन दिखेगा एरिया ब्यूटिफिकेशन। डिवाइडर का तो काम किया है लेकिन कहीं ना कहीं पार्किंग से मार खाता है, रोड में जाम लग जाता है, इसलिए पार्किंग बहुत हो। पार्किंग के बारे में मैं तुमको बताता हूँ कि मैंने पूरे 5 साल पार्किंग के लिए भाग दौड़ किया है, लेकिन पार्किंग का जैसा है मसला है कि आज हमने जो लगा है वो फोटो लेने का RTO ने, उसमें जेब का पैसा नहीं निकलता, कोई भी साला पार्किंग क्या लेगा, फोटो लेगा छोड़ देगा निकल दे, ऐसा लोगों को एक महसूस होगा, डर नहीं है उसके अंदर। पार्किंग के लिए एक डर होना चाहिए, एक टोचन गाड़ी जैसे कि गाड़ी उठा के लेके गए, लोग कैश उनको भरना पड़े तो उनको दिक्कत हो। ये जो लाइटिंग लगाई थी नंबर 8 पर, उसको अभी आपने हटा दिया है, क्यों हटा देगा? ये हटाने का कारण ये है कि हमारे BST वाले की कंप्लेंट थी कि भाई वो यू टर्न मारने को तकलीफ होती है। एक्चुअली देखा जाए तो 32 से उनको कोई तकलीफ नहीं थी, एक्चुअली जो पार्किंग होती है आजू बाजू में वो पार्किंग नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या है, लोगों में जागरूकता नहीं, अच्छा काम हो रहा है अच्छा दिख रहा है तो वहाँ आड़ीबाजी करना, लोग गाड़ी पार्किंग करना, डिपो के सामने पार्किंग नहीं होना चाहिए। MHB में कुछ रोड ऐसे हैं जो अभी नहीं बन पाए हैं, तो उसके लिए कैसे क्या करना कार्य? हमारे MHB के अभी लगभग 9 रोड बन चुके हैं, 14 रोड का हमने वर्क ऑर्डर भी आ चुका है, उसका खाली टेंडर होना बाकी है, टेंडर हो जाएगा बारिश के बाद सारे रोड MHB के RCC बनेंगे, और उसके साथ माड़ा के भी RCC टोटल रोड बनेंगे बारिश के बाद, उनका वर्क ऑर्डर आ चुका है और अपना हाउसिंग बोर्ड का टेंडर होना बाकी है। और ऐसा नहीं है कि नेतागिरी के हिसाब से बोल बचन नहीं है, हमने हकीकत काम किया, हमको बोल बचन देने नहीं आता ना भाषण देने को आता है, लेकिन हमारा काम है काम करना, लोग खुश होना, और लोग हमें चाहे वो चाहे या नहीं चाहे मगर अच्छे काम करके जाने का ताकि लोग याद करें। जो MHP आप रोड बना रहे हैं वहाँ के लोग का कहना है कि आगे से भी कुछ गटर बनना चाहिए, वो रोड आगे तक 7 नंबर तक का जाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, उसके अंदर कैसा है जैसा वो वर्क ऑर्डर बनता है, जैसा कि अभी समझो 100 मीटर का रोड है तो 100 मीटर के अंदर जो रोड रहेगा अगर उनके क्या बोलते हैं वो वर्क ऑर्डर में है तो वर्क ऑर्डर के हिसाब से ही काम करेंगे। और आगे का जो रोड है हम सोचते हैं कि वहाँ से जो बच्चे जाते हैं हमारे यहाँ से जो शॉर्टकट है जैसे कि तुम्हारा सेंट पॉल है, NTCC स्कूल है, बहुत सारी स्कूल है वहाँ से लोगों का जाना आना बच्चों का ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जो शॉर्ट रोड के अंदर जो भी है थोड़ा सा रैबिट डाल के बारिश में आने जाने के लिए करेंगे, बारिश के बाद वो रोड पूरा करेंगे।
सलीम भाई, पार्किंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं कि 1 नंबर से 8 नंबर तक का नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं डबल ट्रिपल पार्किंग है, तो इस पर कब कार्रवाई होगी? नहीं, इस पर कार्रवाई, मेरा तो ये बोलना ये है कि हमको एक जगह बाहर जाना है, वाले चाहिए RTO के पास, और हमको टोचन गाड़ी शुरू करना पड़ेगा 2 टाइम सुबह और शाम, ताकि उसमें डर खूब पैदा हुए और लोग रोड पे गाड़ी नहीं रखें। आधा घंटा 1 घंटे के लिए समझ में आता है कि ठीक है पार्किंग की है, लेकिन दिन दिन भर गाड़ी रखना वो गलत है, मेरा बोलना गलत। काम जो है कहीं ना कहीं मानते हैं कि अब कहीं ना कभी भी इलेक्शन का ऐलान हो सकता है, और आपके कई वार्ड में कहें अभी रोड नहीं बने हैं और भी कई कार्य नहीं हुए हैं, तो आप बोल रहे हैं अभी फंड का इंतजाम नहीं हुआ, कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन का हो गया ऐलान, तो कैसे करेंगे काम? नहीं, काम लगभग हमारे पूरे हो चुके हैं, थोड़े बहुत रोड बचे वो भी हमारे बारिश के बाद शुरू हो जाएंगे, कोई काम ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो काम नहीं हो, सारे काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि लोगों को इतनी खूबसूरती दिखेगी ये मालूनी, शायद मैं समझता हूँ कि कहीं ऐसा इलाका नहीं दिखेगा कि मालूनी के जैसा, शायद मलाड हो, मैं तो समझता हूँ मुंबई जो एरिया है ना, जो चर्चगेट जैसा, जैसा मंत्रालय के जैसा, वो एरिया भी खूबसूरत मालूनी दिखेगी। तो जिस तरीके से आप बता रहे थे पार्किंग को लेके, जो आप 5 साल से लगोगे, लेकिन रोड पर जो ये अप्लाई नहीं हुआ है फिर भी जाम लगता है, एक ही रोड है 1 नंबर से लेके अपने अम्बुजवाड़ी तक, हमारे पास एक ही रोड है, अगर किसी को एम्बुलेंस निकालना हो, कुछ ऐसा हादसा हो, बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें लोगों की जान भी चली गई है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये आपने बहुत अच्छा बोला, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, आप भी रहते हैं और सारे हमारे लोग रहते हैं, जो लोगों को तकलीफ है मुझे तकलीफ है, जो लोग ट्रैफिक में अटकेंगे मैं भी अटकूंगा, तो इसके इस काम के अंदर तो मैं 5 साल से पीछे पड़ा हूँ, और हमने जो इन्नी कौन सा मॉल है, इन्नी मिट्टी मॉल क्या बोलते हैं, इंटरसिटी मॉल, वहाँ पे हमने कम से कम मैंने 2 जोड़ी चप्पल फट गए शायद फॉलो करने के लिए, वर्ली गोरेगांव पी वार्ड, तो वो चीज़ हमने एप्लीकेशन तो बहुत डाले, डिस्पेस तो बहुत किए, लेकिन उसका फॉलो भी लिया, मैंने इनकमिंग भी उनका जवाब दिया, तो उसके बाद अभी NOC मिली हमको इसकी, क्या बोलते हैं, मैंगलोज, तो अभी लगभग जल्दी काम शुरू होगा, उसमें असलम भाई भी मेहनत किए और सलमा अलमेलकर ने भी मेहनत की, जाना आना बहुत कुछ हुआ है, और वो हमारी सारे कॉपी जो है वो लिखित में है, वो आपको भेज देंगे। यहाँ की जनता को सुविधा मिलना चाहिए, और जब जैसे नए रोड की ट्रैफिक की समस्या खत्म, ट्रैफिक की समस्या तो हो जाएगी, लेकिन आप लोग कांग्रेस वाले बोलते हैं ये रोड हम कर रहे हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं हम कर रहे हैं, उसके लिए क्या नहीं, नहीं देखो कैसा है मालूम है क्या, फॉलो तो हर आदमी कर रहा है, इनकमिंग जिसके पास वो दिए, जैसे कि हमारे भाई आमदार साहब हैं या सलमान मिलकर है, इनके पास राइटिंग में डिस्पैच करना कोई बड़ी बात नहीं, उसको इनकमिंग करना, फॉलो करना एक चीज़ को, और जल्दी से जल्दी कायम करना, वो बड़ी बात है। पब्लिक को कब तक ये रोड मिल जाएगा? ये 1-2 साल के अंदर पूरा रेडी हो जाएगा, 2 साल के अंदर पूरा रेडी हो जाएगा। आप देख रहे थे काशिफ टाइम्स, और हमारे साथ मौजूद थे सलीम भाई, सलमा सलीम अलमिलकर जी, और खबर पेश